वेलकम अंजुम की किचन में, वेलकम। आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसे ही होता है ना, जैसे कि हमारे साथ भी होता है और मुझे यकीन है सबके साथ होता होगा। जब आप जिम से थके हारे एक्सरसाइज करके आते हैं या आप घर पे वर्कआउट करते हैं तो इतना थक जाते हैं, इतने जोरों की भूख लगी होती है, ऐसा लगता है कि जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए, डाइट वाला, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला। और जैसे ही आप किचन में एंटर करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता क्या बनाएं। तो चलिए उसी प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करते हैं। हम बनाएंगे डाइट में चिकन ब्रेस्ट, वो भी हमारी ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ। तो यहाँ दोस्तों हमने ले लिया है चिकन ब्रेस्ट यहाँ पर, क्योंकि आपको बताना था इसलिए हमने यहाँ पे इसे फुल रखा हुआ है। अदरवाइज आप इसके ऑलरेडी जैसे पीसेस चाहिए हैं वैसे पीसेस करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो छोड़ दीजिए, इसके पीसेस भी नहीं करना है। बस इस तरीके से इसमें लगाइए कट, इसको डालिए फ्राई पैन पे और झटपट से डालिए ग्रेवी, ऑल पर्पस ग्रेवी, और बस आपका चिकन ब्रेस्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए है इसके पीसेस। तो चलिए, इससे पहले भी जैसे हमने आपको बताया था कि इस तरीके से दबाइए और बीच में से उसको आप दो पीसेस कर लीजिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक रहेगा तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो डिश हम बनाने जा रहे हैं वो तो बस दो मिनट में बनने वाली है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिप कट करना है। आप चाहें तो जब आप ले रहे हो तो वहाँ पर भी वो लोग कट करके देते हैं, लेकिन अक्सर हम नहीं कटवाते क्योंकि हमें अलग अलग शेप में कट करना होता है। तो देखिए, इस तरीके से हम छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं पूरा कट करने के बाद। तो ये जितना चिकन ब्रेस्ट हमें बनाना था उतना कट हो चुका है। अब चलते हैं अपने वॉक की तरफ। तो लीजिए, हमने गैस को ऑन कर दिया और हमने यहाँ पे अपने वॉक को भी रख दिया है। ये काफी गर्म हो चुका है क्योंकि जब आप चिकन ब्रेस्ट बना रहे हों तो आपको बहुत गर्म तेल चाहिए है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब। अब आपको क्या करना है, जब ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चिकन ब्रेस्ट। पहले मत डालिएगा, अगर आपका तेल ठंडा रहा और आपने चिकन ब्रेस्ट डाल दिया तो वो अपने जूसेस छोड़ देगा। आपको बहुत ज़्यादा गर्म करना है तेल को, ताकि जो चिकन की ऊपरी सतह है, जो ऊपरी उसकी जो लेयर है, वो जल्दी से सारे जूस को अंदर सील कर दे। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी गर्म हो चुका है हमारा तेल और जल्दी से इसमें हम डाल देते हैं चिकन ब्रेस्ट। अच्छे से इसे पकने दीजिए ताकि ये कलर चेंज कर दे और इसका जो जूस है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। तो यहाँ देखिए, जो चिकन है इसका कलर चेंज हो चुका है और हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक डालेंगे तो फिर इसके जो जूस है जिसका पानी छूट जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना नरम हो गया है, सिर्फ डाला है, कलर चेंज हुआ है और ये गल चुका है। तो इस वक्त हम डाल देते हैं नमक ताकि ये फीका ना लगे, जो कि हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून के करीब। आप अपनी मिकदार देख लीजिएगा कि आपका चिकन कितना है, उसके मुताबिक आप इसमें डालिएगा। तो जल्दी से एक हाथ इसे चला देते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल भी इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे आपने इसे ज़्यादा पकाया ये हार्ड हो जाएगा। 3 चीज़ें जो होती हैं वो बस भाप में गलती हैं, जो कि है प्रॉन और कलेजी और ये चिकन ब्रेस्ट। देखिए कितना नरम है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम अपनी फ्लेम को कर देंगे कम और जल्दी से इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ें अभी डालना है इसमें। तो पहले इसे निकाल लेते हैं क्योंकि अगर हम इसे पकाते रहे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने सब निकाल लिया। अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं हाई और जल्दी से ले आते हैं ऑल पर्पस ग्रेवी, जो हम आपको कैसे बनाते हैं वो शूट कर चुके हैं और आपको बता दिया है कि इसे आपको फ्रिज में रेडी रखना है। तो देखिए, हमने ये निकाल लिया जो हमने आपको बना के बताया था कि इसे आपको कैसा रेडी करके रखना है। तो बस चलते हैं जल्दी से चिकन की तरफ।
अब इसमें डाल देते हैं हम चॉप किए हुए 6-7 जवे लहसुन के हैं। इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है वो निकल के आ जाए। जैसे कि हमने आपसे कहा है कि ये जो ग्रेवी हमने रेडी किया है ऑल पर्पज ग्रेवी फॉर डाइट, ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत मज़ेदार चीज़ें और बस मिनटों में तैयार कर देती है। तो बस आपको जो फर्स्ट टच होता है वो अलग अलग तरीके का देना है। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ पे पहले हमने लहसुन डाल दिया, कल हम आपको दूसरे तरीके से बताएंगे ताकि आपको भी शौक आए खाने का और कभी भी आप बोर ना हो। और इस तरीके के अगर डाइट के खाने मिलने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हर कोई हेल्दी रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम ये ले लेते हैं यहाँ पर ऑल पर्पज ग्रेवी, इसे मिला देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, गरम मसाला, कसूरी मिर्ची, सारी चीज़ें इसमें हैं। आपको कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ टच दे सकें और थोड़ा सा लाल मिर्ची आपको ऐड करना है या आपको चटपटा सा बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो बस ये तो पका हुआ मसाला था, जल्दी से इसमें डाल देते हैं चिकन और इसे एक बार मिला देते हैं। वाओ माशाल्लाह क्या तैयार हुआ है। ठीक है तो ये हो गया रेडी, पकाना तो है नहीं, अब जल्दी से थोड़ा सा इसे गार्निश कर देंगे तो ये बनके तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। देखा ना दोस्तों आपने कितने जल्दी बना, सिर्फ 2 मिनट में। और आप इतनी एक्सरसाइज करके आए हैं अब तो और मज़ा आ जाएगा जब आपको इस तरीके से प्रोटीन रेडी मिल जाएगा, रेडी मसाले के साथ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, हमने चख के देखा है इतना लजीज बना है कि हम आपको क्या बताएं। ऐसा लग रहा है कि कैसे ऐसा हो सकता कि आप लोगों को मैं ये पार्सल कर सकती, लेकिन दोस्तों इतना आसान है जो हमने आपको ग्रेवी बताया है बनाना ऑल पर्पस ग्रेवी, वो ज़रूर बना के अपने फ्रिज में रख दीजिए। देखिए आपको ताकत तो आ ही जाएगी क्योंकि बे इंतहा हेल्दी है, और एक बेफिक्री हो जाएगी कि आप झटपट सिर्फ 2 मिनट में इस डिश को आप रेडी कर सकते हैं। तो बस अब हम अपने बेटे को देने वाले हैं, ये तो हमने भी बना के रख दिया है 2-3 लोगों के लिए, बाकी इसमें से जाएगा 100 ग्राम चिकन और इसमें जाएगा 100 ग्राम चावल और उससे हम उनको सर्व करेंगे। और बस थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देते हैं इसे हरे धनिया से, क्योंकि उसके बगैर तो कोई भी चीज जो होती है वो अधूरी रहती है। तो ये हमने डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते हैं चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च। तो देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, और हमने चख के देखा इतना गजब का बना है कि मैं आपको क्या बताएं। उफ गजब गजब, और इतना सॉफ्ट है कि आप यकीन नहीं कर सकते। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि जब चिकन ब्रेस्ट बनाओ तो बहुत हार्ड हो जाता है, और ये इतना सॉफ्ट है कि हम आपको कुछ बता ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस रेसिपी को जरूर 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 बनाइए और आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए दोस्तों हमने सर्व कर दिया है जो हमने बनाया था ऑल पर्पस ग्रेवी के साथ चिकन ब्रेस्ट, बे इंतहा मज़ेदार बना है और सिर्फ 2 मिनट में बना है। ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं एक मज़ेदार सी झटपट बनने वाली लेकिन हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।